बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तारीख़ पाकिस्तान विद अहमद रज़ा कसूरी में खुश आमदीद। नाज़रीन, ये जो आपने विजुअल्स देखे हैं टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, ये पाकिस्तान नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसके वो मनाज़िर हैं जो कि पिछले 3 से 4 रोज़ पर जो वाक़यात रोनमा हुए हैं ये वही मनाज़िर हैं। नाज़रीन, मैं आपके साथ जिक्र करता चलूँ कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक तहरीक शुरू की जो कि 3 मुतालबात पर मुश्तमिल थी, और साल गुजरने के बाद उन मुतालबात पे जब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नहीं किया तो ये तहरीक जो है वो लॉन्ग मार्च करने पर मजबूर हो गई। और अभी जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो यही हैं कि लॉन्ग मार्च जो कि भी मिंबर से चला था वो अब मुजफ्फराबाद जो कि आज़ाद कश्मीर का दारुलहुकूमत है वहाँ पर पहुँच गया है और अभी भी मिड परेड वहाँ पर जारी है। नाज़रीन, इसमें क्या उतार चढ़ाव आए, क्यों मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके, और गुज़िश्ता रोज़ के बिलखसूस रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में जो आखिरी मुज़ाकरात हुए वो क्यों कामयाब नहीं हो सके, और फिर आज जब वफाक ने नोटिफिकेशन कर दिया तो उसके बाद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है उसका रद्दअमल अभी तक सामने क्यों नहीं आया, और अभी जो है वहाँ पर मिड बेर क्यों जारी है। इन तमाम जो एंगल्स हैं इस मौजू के हम उस पर डिस्कशन करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। साथ में हम बात यह भी करेंगे कि भारत में जो आपको पता है इंतखाबात चल रहे हैं, और भारत के ये जो इंतखाबात हैं वो अब आज एक नया मरला उसका शुरू हो गया है, 4 जून को इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। आज के मरले में ऑक्यूपाइड कश्मीर भी ज़ाहिर शामिल है, एक स्टेटस को रिवोक कर दिया गया था भारत की तरफ से। तो बात मुख्तसरन कश्मीर पर ही होगी। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग अहमद रज़ा कसूरी साहब। कसूरी साहब, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच अजीज। कसूरी साहब, हम आगाज़ करते हैं आज़ाद कश्मीर से, और आप भी बहुत आज़ाद कश्मीर के बारे में मालूमात रखते हैं और आप हमेशा यही कहा करते थे और आज भी कहते हैं कि बेस कैंप है, इसको मजबूत होना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा है कि आज़ाद कश्मीर के बासलाहियत अवाम जो है उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी उस तरह से पूरे नहीं किए जा रहे, और जो अशराफिया तबका है वो अपनी मरात के बरक्स नहीं बल्कि मरात को इस्तेमाल करते हुए इस्तेसाल करते हुए हमें नज़र आता है। तो 3 बुनियादी मुतालबात थे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, जो कि जम्मू कश्मीर उसका नाम है, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। आप हमें ये बताइए कि ये जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 3 मुतालबात क्या थे, और आज ये जो वहाँ पर मार कुटाई चल रही है, प्रॉब्लम वहाँ पर बनी हुई है, लॉकडाउन हुआ है, सड़कें ब्लॉक हैं, तो इससे आप क्या पैगाम ले रहे हैं और दुनिया में क्या पैगाम जा रहा है? ठीक, पहले तो मैं जो कश्मीर हमारे पास है और बल्कि पूरे कश्मीर की जो उसकी तारीखी और सियासी और बैन अल-कौमी जो उसकी पोजीशन है, उसकी अहमियत है, उसका जिक्र कायदे आज़म के एक फिक्र से कर देता हूँ कि कायदे आज़म ने कश्मीर के बारे में कहा कि ये पाकिस्तान की शान रह गए जी ना। इससे ज़्यादा पावरफुल स्टेटमेंट वो भी कायदे आज़म जैसा स्टेट्समैन जो कि बड़ी नपी तुली बात करने वाला उसी लीडर, उन्होंने कहा कि कश्मीर जो है इट इज़ ए जुगुलर वेन ऑफ पाकिस्तान। और मैं इसको कहा करता हूँ कि कश्मीर के साथ हमारी हाइड्रोलिक यूनिटी है, पानी का एक रिश्ता है, क्योंकि हमारे तमाम तकरीबन दरिया जो हैं वो कश्मीर से निकलते हैं, और वो दरिया जब मैदानी इलाके में आते हैं तो पाकिस्तान में पंजाब और सिंध के इलाकों को वो सैराब करते हैं। सो हमारे लिए कश्मीर की बड़ी अहमियत है, इसीलिए ही जब 47 के बाद हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो हमने कोशिश की कि पूरे कश्मीर पर, क्योंकि जो असूल वाजिया हुआ था पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था, वो असूल वाजिया हुआ था एक कानून के ज़रिए जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया, और उस कानून का नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। उसमें ये जो थी एक शिक डाली गई थी, और वो ही उसका मगज था उस कानून का, कि वो इलाके जहाँ हिंदू अक्सरियत में हैं और जोग्राफियाई तौर पर वो आपस में जुड़े हुए हैं वो इंडियन यूनियन बनेगा, और वो इलाके जो जोग्राफियाई तौर पर
जुड़े हुए हैं और मुसलमान वहाँ अक्सरियत में हैं, वो पाकिस्तान की डोमिनियन बनेगा। तो अब चीज़ यह है कि ये फैसला तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान को छोड़ते हुए एक लॉ के ज़रिए ये तय कर दिया और एक फार्मूला बना दिया। अब जब कश्मीर का मामला आया तो हमने जो थे हमारे कबायली ऐसी, उन्होंने कोशिश की कि पूरे कश्मीर पर जो है कब्ज़ा किया जाए, लेकिन महाराजा हरी सिंह जो था वो 24 अक्टूबर 1947 को शायद उसी वो ही फ्लू टू न्यू दिल्ली और दिल्ली में जाकर उसने जाके जवाहरलाल नेहरू के साथ एक एग्रीमेंट किया जिस थ्रू ए लेटर ऑफ एक्सेशन, और उसने जो हिंदुस्तान कश्मीर का जो ताल्लुक है वो हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया। उसके बाद हिंदुस्तान की फौजें आईं और फिर वो तारीख है। तो फिर आगे जो है जो असली पॉइंट है जिस पर मैं आना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब ये मामला चला गया सिक्योरिटी काउंसिल में और इस मामले को लेके भी हिंदुस्तान गया, तो सिक्योरिटी काउंसिल ने 5 जनवरी 1948 या 49 को जो है अपना एक रेजोल्यूशन के ज़रिए ये तय पाया कि कश्मीर इज़ ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी। सी कश्मीर इज़ ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी और इसका जो फैसला है एवेंचुअली ये कश्मीर के अवाम थ्रू प्लेबिसिट करेंगे। अब ये जो प्लेबिसिट का जो कॉन्सेप्ट है ये दुनिया में पहली दफ़ा दिया सी जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था अपना रूज़वेल्ट, उसी तो रूज़वेल्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया और इस कॉन्सेप्ट का बुनियादी मकसद ये था कि एवरी नेशन हैज़ ए इनएलिनेबल राइट टू डिसाइड इट्स ओन फ्यूचर एंड कश्मीरीज आर नेशन दे हैव टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर, उसी और फ्यूचर जो है वो प्लेबिसिट के ज़रिए तय पाएगा। अब वहाँ पहले तो दो पार्टी थी, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया कहता था हमारा हक है, पाकिस्तान कहता था हमारा हक है, फैसला करना था प्लेबिसिट ने। इसके बाद एक और ग्रुप आ गया जो कि अमानुल्लाह खान और जो था अपना डार जो था अपना मकबूल डार, उसी इन्होंने एक मकबूल भट्ट हाँ। इन दोनों ने एक नया एक कॉन्सेप्ट दिया और वो था एक थर्ड ऑप्शन का कि नहीं खुद मुख्तार कश्मीर का जो कश्मीर है वो आज़ाद भी हो सकता है पूरा दोनों साइडों से। सो ये तीन चीज़ें हैं। अब चीज़ ये कि कश्मीर की बड़ी अहमियत है पाकिस्तान के लिए, जैसे मैंने कहा कि हमारे तो दरियाई वहाँ से आते हैं, हमारा एक उनके साथ सिर्फ जो है अपना सियासी या मजहबी या तारीखी बल्कि इकोनॉमिकली भी हमारा उनके साथ एक बड़ा गहरा रिश्ता है। अब अगर वो इलाका डिस्टर्ब हो जाए जी, तो नेचुरली इट विल हैव इफेक्ट्स ऑन पाकिस्तान और इससे मसाइल और भी खड़े हो सकते हैं। अब यहाँ दो डैम जो हैं वो अपना जो अपना जो कश्मीर में है आज़ाद कश्मीर में क्या नाम है उसका नीलम झेलम एंड मंगला डैम। हाँ मंगला एंड झेलम नीलम झेलम प्रोजेक्ट, ये दोनों जो हैं ये आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी के अंदर हैं और आज़ाद कश्मीर इज़ ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी। अब वहाँ एक नया ग्रुप खड़ा हुआ है जिसने पिछले साल से बड़े ज़ोर शोर से अपनी एक्टिविटी का आगाज़ किया हुआ है और उनके मुतालबात में बाद बताऊँगा। उस ग्रुप का नाम है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसको हम कहते हैं IJAAC। इसने लास्ट ईयर इन मुतालबात को हवा दी, बातें चलें, लेकिन उनकी उस काविश के से कोई जो बेल थी वो मुंडेरे नहीं चढ़ सकी। लिहाजा क्योंकि वो आइडियाज़ तो अपनी जगह कायम था, सेटल भी नहीं हुआ था, इट वाज अनसेटल्ड इशू। सो उसने इस दफ़ा यानी इसी महीने में उसने फिर उस मूवमेंट ने सिर उठा लिया। अब
इस मूवमेंट में जो उनके तीन नुकात हैं उनका मैं जिक्र किए चला जाऊँ जी। उसका पहला नुकता ये है कि जो बिजली है, जो क्योंकि वो उन डैम से पैदा होती है जो कि लोकेटेड हैं आज़ाद कश्मीर की बाउंड्रीज़ के अंदर, लिहाजा इनका एक प्रायर राइट है उसके ऊपर, और उनको बिजली जो बनाने में जो ख़र्चा आता है उसी उसके उसके बनाने में उसको जो है उसके मुताबिक उनसे पैसे चार्ज किए जाएं, ना कि उस पर जो एक्स्ट्रा जो टैक्सेस लगते हैं उनको उनको जो है एक तरफ रख दिया जाए, और जो बिजली बनाने में ख़र्चा आ रहा है वो हम देने को तैयार हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि हमें आटा जो है वो सब्सिडाइज रेट पर दिया जाए उसी, और उसके रेट्स वही हों जो कि गिलगित में ये रेट हैं आटे के। और तीसरा उनका मुतालबा ये था कि वी हैव गॉट ए वेरी हैवी इस्टेब्लिशमेंट, और हमने ऐसे खामखा फजूल किस्म के चीज़ें महकमे क्रिएट किए हुए हैं, इनको स्लाइस डाउन किया जाए ताकि वो पैसा भी जो है वो मुल्क उस आज़ाद कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए और लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये तीन उनके मुतालबात हैं। इस पर जो है अपना इसी महीने की 9 तारीख को ये मामला शुरू हुआ, और इसमें जो थे उन्होंने एक अपने एक तहरीक के तौर पर इसको अपना इस मामले को उठाया। उसी जब उठाया तो इसमें आगे से नेचुरली रुकावटें खड़ी की गईं अपने बाय द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आज़ाद कश्मीर, और उसमें 70 के लगभग जो एक्टिविस्ट थे जो कि इस सारी मूवमेंट को के लीड कर रहे थे वो गिरफ्तार हो गए। लिहाजा उसके बाद फिर ये है कि अच्छा ये मैं बताया जाऊँ साथ साथ कि इसका इस वक्त प्रेसिडेंट जो है आज़ाद कश्मीर का वो हैं अपना बैरिस्टर सुल्तान मोहम्मद चौधरी। उसी ये तहरीके इस्तिक्लाल के हैं और अभी तक वो तहरीके इस्तिक्लाल के साथ जुड़े हुए हैं। इनके जो हैं अभी तो तहरीके इंसाफ से हो गए थे, तहरीके इंसाफ अभी पार्टीज बड़ी चेंज करते रहे ऐसे, और ये जो है प्राइम मिनिस्टर हैं ये चौधरी अनवारुल हक है, ये तहरीक इंसाफ में थे लेकिन अब मौका शनासी के तहत ये छोड़कर अलहदा हो चुके हुए। तो ये दोनों जो की पोस्ट हैं इनका मैंने जिक्र कर दिया। अब चीज़ ये है कि इसमें जो हालात बड़े ख़राब हो गए हुए हैं, और मैं ये भी बताता चला जाऊँ कि इन तमाम जितनी भी तहरीकें आज तक शुरू हुई हैं अपना आज़ाद कश्मीर के अंदर, उसका जो मरकज़ रहा है वो रावला कोट रहा है। उसका रीज़न यह है कि रावला कोट के जो लोग हैं वो कंपैरेटिवली बहुत एजुकेटेड हैं, और माशी तबार तो भी वो बाकी इलाकों से बेहतर हैं, लिहाजा क्योंकि उनकी सोच में एक आज़ादी का अंसर नज़र आता है तो वो गाहे बगाहे इस किस्म की तारीखें जो कि प्रो पीपल्स होती हैं उनका आगाज़ जो है वो रावला कोर्ट से ही आगाज़ होता है, और इसका तारीख का भी जो बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंकेज है वो जो है रावला कोर्ट ही है। तो अब चीज़ ये है कि इसके बाद फिर एक और उसी उन्होंने लॉन्ग मार्च का एक अंदिया दिया और लॉन्ग मार्च स्टार्ट की। उसी लोग जो हैं आज़ाद अपना जो हैं जो दूर दराज जो इलाके हैं आज़ाद कश्मीर के वहाँ से वो चल पड़े। तो फिर जो है फिर उन्होंने एक बड़ा एक्सटेंसिव लाठी चार्ज किया, और उस लाठी चार्ज में जो है फिर लोग बहुत सारे ऐसी गिरफ्तार हुए, कोई 98 के लगभग लोग इसमें जो है उनको जो है चोटें लगीं और वो ज़ख्मी हुए, और एक पुलिस का एक जो था सब इंस्पेक्टर वो भी इसमें जो है अल्लाह को प्यारा हो गया, उसको गोली लगी। अब ये बात जो है ये खासी बेकाबू हो चुकी है। सुनने में यह आया है कि जो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट है उन्होंने रेंजर्स को भी वहाँ समन कर लिया है, और वहाँ एक
तसादम सी की किस्म की चीज़ सामने नज़र आ रही है। अच्छा, ये भी मैं बताता जाऊँ कि कश्मीर का जो उसके जो रिसोर्सेज हैं जहाँ से उनको पैसे मिलते हैं, वो बुनियादी तौर पर टिम्बर है उसी, क्योंकि कश्मीर की जो लकड़ी है वो पूरे पाकिस्तान में आके बिकती है, तो उससे उनको उनके ख़जाने में काफ़ी जो है पैसे आते हैं। और दूसरा ये है कि उनके जो है बड़े एक्सपेंसिव स्टोन्स जो हैं वो भी वहाँ से निकलते हैं, तो ये दो, लेकिन वो अलग बात है कि वो जाते लेकिन हैं। वो दूसरी बात है कि लोगों की जेब में कोई यूरोप पहुँचे हुए हैं, कोई इंग्लिस्तान पहुँचे हुए हैं, बट ये इनकी बुनियादी तौर पर है। तो अब चीज़ ये है कि ये मामला बहुत बढ़ चुका है, इसको इंडिया भी उछाल रहा है उसी, और इंडिया वाले ये तासर दे रहे हैं कि देखो उसी जो है पाकिस्तान के कश्मीर में कोई बेहतर हालात नहीं है एज़ कम्पेयर टू उसी ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वो यानी उसके कश्मीरियों को इस किस्म के बयान दे के आज़ाद कश्मीर के लोगों को भड़का रहे हैं। तो नेचुरली अगर आप दुश्मन को दाव देंगे तो दुश्मन तो उसका फ़ायदा उठाएगा। yes, exactly. अब चीज़ यह है कि मामला इतना बढ़ गया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया गया, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज ही एक मीटिंग की विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के साथ, और वो मीटिंग जो है वो उसके जो खदोखाल जो सामने आए हैं मीडिया के ज़रिए उससे ये सामने चीज़ आई है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 23 करोड़ का एक पैकेज जो है वो आज़ाद कश्मीर को दिया है इन लीव ऑफ वो जो बिजली के डिमांड कर रहे थे कि हमें बिजली जो है वो पैदावारी जो लागत है उसके मुताबिक दी जाए। नहीं, 23 बिलियन है जी, 23 बिलियन, हाँ 23 बिलियन में जी, 23 बिलियन जो है उसका एक पैकेज दिया है। तो अब चीज़ यह है कि लेकिन दूसरी तरफ तो अभी हालात अभी भी बड़े ख़राब हैं। yes. और दूसरी तरफ ये है कि ये जो अपनी कमेटी है जम्मू एंड कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, इनके साथ जब रابطہ कायम किया गया जी. तो उन्होंने अभी वो अभी इनकारी हैं, अभी भी उन्होंने कह रहे हैं कि हमें ऑफिशियली इंटीमेट नहीं किया गया, और वो जो अपने जो ऑर्डर निकाले गए हैं उसी उसके बारे में भी उनके कोई इश्काल है कि वो दे आर नॉट प्रॉपर ऑर्डर्स। अच्छा, तो ये पोजीशन ये है कि और वो जो नोटिफिकेशन हुआ उसकी नोटिफिकेशन जो है उस पर जो कहते हैं कि उस पर जो उसका कोई ऑफिशियल नंबर वगैरह नहीं लगा हुआ, ये उनके अच्छा उनका मौक़िफ है जो हमने उनसे रابطہ कायम करने के बाद ये उन्होंने जिक्र किया थी। ठीक, बहरहाल मामला जूं का तूं है, अभी सेटल नहीं हुआ, और हमारी दुआ है कि कश्मीर की जो अहमियत है पाकिस्तान की माशी और सियासी स्टेबिलिटी में जो उनका रोल है, क्योंकि हमारे हाँ भी लातादात लोग जो हैं कश्मीरी सेटलर्स हैं पाकिस्तान में, जो कि आला अहदों पर भी हैं, फौज में भी हैं। अभी जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में जो हमारा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ था अपना जनरल अजीज़ ख़ान, उनका ताल्लुक रावला कोट से, वो भी कश्मीरी सदोज़ई। तो मतलब कि दे आर ऑन इम्पॉर्टेंट पोजिशन जो है पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट में भी हैं और पाकिस्तान की सियासत में भी हैं। सो इन हालात में हमारी ये एक बड़ी एक कौमी जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले को सिर्फ हम दूर से बैठ कर देखते ना रहें, इसका नज़ारा ना लेते रहें, बल्कि इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इस मसले को रिजॉल्व करे और उनके जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको उनकी तरफ रजू करे, और जो डिमांड पॉसिबल हैं टू रिजॉल्व उनको रिजॉल्व करें। ठीक है। अच्छा कसोई साहब, आपने सहर असल गुफ्तगू कर ली है, मैं इन तीन पॉइंट्स पे मुख्तसर ने एक बार फिर आना चाहता हूँ। एक जो पहला है कि पैदावारी लागत उस पर बिजली दी जाए, उस पर गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन किया आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने, वो दो तीन चार लाइन्स हैं जो उन्होंने नोटिफिकेशन किया, जिसमें घरेलू सार्फिन के लिए
इसे 100 यूनिट तक कीमत 3 रुपये फी यूनिट मुकर्रर की गई है। इसी तरह 100 से 300 यूनिट जो इस्तेमाल करें उनकी 5 रुपये है, और जो 300 यूनिट से ऊपर करेंगे उनका 6 रुपये, इसी तरह कमर्शियल और दीगर है। लेकिन कसूरी साहब, सब्सिडाइज्ड वीट फ्लोर जो है इसके लिए भी उन्होंने कहा है कि हम जो है वो 2000 रुपये तक मुकर्रर कर लेंगे। लेकिन मेरी इतलात ये है कि जिस तरह आपने जिक्र किया, आपने इन इतलात का मालूम कही कि जी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अभी रद्द अमल देगी, वो कह रहे हैं कि अभी तक हमें नहीं पता कि हम इस बात में मुतफिक हो भी सकेंगे कि नहीं, कि हमारी डिमांड्स पूरी हुई भी हैं कि नहीं, अभी इन्होंने की मीटिंग होनी बाकी है। अच्छा, ये जो तीसरा पॉइंट है कसूरी साहब, इसमें सिर्फ पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर ही नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला भी है कि जो प्रिवलेज हैं अलीट क्लास की, बिलखसूस जो मरात हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर है, सदर है, ब्यूरोक्रेट स्पेशली ब्यूरोक्रेट हैं, जजेस हैं और दीगर जो स्टाफ के लोग हैं, इस पे वो ये कह रहे हैं कि जी आप इसको स्लाइस डाउन करें, जैसा कि आपने भी जिक्र किया है कुसरी साहब। ये तो ये अशराफी आप समझते हैं कि ये इस अवामी जमे अवाम का जो जमे गफीर है, इसके प्रेशर में आके अपनी मरात जो है वो स्लाइस डाउन कर सकती है? देखिए, बात यह है कि अगर अशराफिया को ये यकीन हो गया जिस दिन कि ये जो कुछ हमने बनाया है लूट मार के, यहाँ अगर सिविल वॉर हो गई तो ये बिल्कुल मलिया मेट हो जाए, ख़त्म, हम भी मारे जाएंगे और ये हमारी झूठी जायदादें भी ख़त्म हो जाएंगी, उस दिन बिल्कुल वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और हर किस्म की बात मानने को तैयार हो जाएंगे। आप देख लें अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन को देख लें, डिफरेंट जगहों को रेवोल्यूशन देख लें, आमतौर पर जो इनकलाब आता है भूख नंग से आता है, और पाकिस्तान में भूख नंग इस पहराए पर चली गई है कि अभी पिछले दिनों में एक शख्स ने अपने सारे बच्चे कत्ल कर दिए सारे थी, और एक 2.5 साल की बच्ची को भी उसने गला काट दिया। तो जब कौम इस नैश पर पहुँच जाए और उनका सोच का इस ये अंदाज हो जाए, तो वो बजाय वो अपने बंदों को मारने का, वो फिर ये जो खाते पीते लोग इनको मारेंगे। सो देयरफॉर जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, इनकी लाखों गाड़ियां हैं पूरे मुल्क के अंदर, उसी जिसमें उसी फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इनकी ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, उसी अपने लोकल बॉडीज़ गवर्नमेंट्स हैं, इनमें लाखों गाड़ियाँ हैं जो कि गवर्नमेंट को उनको प्रोवाइड करती है, उनका तेल पानी प्रोवाइड करती है, फिर इनकी बिजलियां फ्री हैं, इनके उसी बहुत सारी चीज़ें, इनको इनके सर्वेंट्स फ्री हैं, उनके पैसे मिलते हैं। तो ये जो है अरब रुपया का जो एक्सपेंडिचर है जो कि गवर्नमेंट कवर अप करती है बेचारे भूखे अवाम से, उन पर टैक्स लगा कर रही है, तो बजाय उन भूखे अवाम पर ये बोझ डाला जाए, ये जो खाते पीते उसी मेंढे की तरह पले हुए उसी हैं अपना, इनको क्यों नहीं कुर्बानी का बकरा बनाकर, माशी कुर्बानी का बकरा बना के इनसे क्यों नहीं ये पैसे लेते, जो कि एक गरीब कौम और गरीब टैक्स पेयर जो है इनको पैसे दे रहे हैं, इनके पेट्रोल, इनके घरों के, इनके बिजली के, इनके नौकरों के। तो ये देश शुड बी विड्रॉन, एंड दैट्स व्हाट इज द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ आजाद कश्मीर टुडे। तीसरा डिमांड ये है उनका। ठीक है, नाज़रीन एक वक्फा लेंगे, तो वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इसी कश्मीर से रिलेटेड, और बात जो है वो थोड़ी सी इस पार की नहीं उस पार की हो रही, मकबूजा कश्मीर की, जिसका स्टेटस तब्दील कर दिया गया और भारत जो है वो इंतखाबात करवा रहा है, इसका क्या जाविया है, इस पे कसूरी साहब से डिटेल में बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी हम इस पे भी बात अभी एजेके की रहती है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के किसी सीनियर मेंबर को लिया जाए और उनसे पूछें कि इस वक्त ताहाल क्या वहाँ पे सूरत हाल है और उनका क्या रद्द अमल है हुकूमती नोटिफिकेशन पे। हमारे साथ एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, ताज़ा तीन सूरत हाल यही है आज़ाद कश्मीर की कि इस वक्त जहाँ पे एक तरफ हुकूमत ने नोटिफिकेशन कर दिया है, दूसरी तरफ जो है मुजफ्फराबाद की इंटरनेट सर्विस वो भी सस्पेंड कर दी गई है, और इस वक्त कहा यह जा रहा है कि मुजाहरीन पे लाठी चार्ज है और कुछ लोगों की ज़ख्मी होने की भी इतलात है। सो सब क्या कहेंगे इस हवाले से? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट। मैं समझता हूँ कि डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इंटरवीन करना चाहिए और कोई
रिस्पॉन्सिबल लोग जो हैं एंड पर्टिकुलरली द आर्मी को इसमें जो है आर्मी को हाई कमांड को दे शुड टेक नोटिस बिकॉज थिंग्स कैन बिकम वेरी अगली. सो देयरफॉर इससे पहले कि वो एक अगली टर्न दे जाए और उसका इंडिया एडवांटेज ले उसी, तो हमें चाहिए कि इसका सदवाब करें और जो उनके जायज़ मुतालबात हैं वो उस हद तक जिस हद तक काबिल कबूल है उनको कबूल करके इस मामले को डिफ्यूज़ किया जाए. वरना आप देखें कि इंडिया तो बड़ा खुश हो रहा है ये जो कुछ हो रहा है आज़ाद कश्मीर में. वो कहता है कि उसी मज़े लो और उसी पाकिस्तान के साथ शामिल होने के. सो देयरफॉर आप वो जो हिंदुस्तान के हिंदुस्तान वाले कश्मीर के जो मुसलमान लीडरशिप है आप उनके भी हाथ मजबूत कर रहे हैं कि क्योंकि उन पर उंगली उठाई जाती है कि तुमने हिंदुओं का साथ दिया तो वो कहेंगे तो कि तुमने पाकिस्तान से क्या लिया, तुम्हें पाकिस्तान ने क्या कौन सा फेयर डील दिया, तुम्हें गोलियाँ दी, तुम्हें फाका कशी की, तुम्हारी बातें नहीं मानी. सो दे विल एटलीस्ट टेक ए पोलिटिकल एडवांटेज और इसका वो खासा ढोल ढमका करेंगे. सो इससे पहले कि ये एक बैन अल-क़ौमी किस्म का मामला बन जाए उसी और ये मामला कहीं और पहुंच जाए इसको इसका सदवाब किया जाए और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेवल पर ही हो सकता है. ठीक है नाज़रीन, बढ़ते हम अपने अगले मौजू की जानेब और वो है भारत में इंतखाबात. कसूरी साहब, इंतखाबात भारत में हो रहे हैं, बड़ी आपको पता है कि वहाँ पे जनरेशन के एक बड़ी नंबर्स हैं और इसमें एक दिन में इंतखाबात करवाना लाइक पाकिस्तान इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. और चूँकि जाविया भी यही है कि हिंदुज़म के कॉन्सेप्ट के ऊपर, हिंदू नेशनलिज़म के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है वो अब ज़ाहिर है उसका दायरा कार जो है वो आपके ऑक्यूपाइड कश्मीर तक भी पड़ चुका हुआ है. जो ये फेज़ है उसमें भी तो ये चीज़ शामिल है, क्या कहेंगे? देखिए अदील, बात यह है कि इस वक्त जो भारत में इंतखाबात हो रहे हैं उसके चार पोर्शंस हैं. आज शायद तीसरा उनका है अपना पोर्शन और फिर चौथा होगा और 4 जून को उनके नतीजे सामने आएंगे. इट्स ए ह्यूज बिग कंट्री और उसमें जो है कोई 96 करोड़ के लगभग जो वोटर्स हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स. सो इससे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. सो उन्होंने इसको 4 हिस्सों में मुनकसिम किया हुआ है. तीसरा आज है, चौथा चंद दिनों के बाद है एंड फिर उसका नतीजा होगा. इस वक्त जो है एक जो अपना कोलिशन का जो एक ग्रुप बना हुआ है 26 पार्टियों का, उसको हेड कर रही है कांग्रेस एंड रोहेल गांधी सी इज़ अ ग्रैंड सन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ही इज़ लीडिंग दैट कोलिशन. दूसरी उनका मुकाबला हो रहा है अपना जो इसके साथ बीजेपी के साथ. अब बीजेपी जो है वो बड़ी इस वक्त हिंदुत्वा की पॉलिसी में जा रही है और मुसलमानों के साथ उनका जो जुल्म व सतम है जो उन्होंने अपना मोदी ने अपना गुजरात में किया, 2,500 मुसलमानों को मार दिया और अब जो कुछ हो रहा है जुल्म हो रहा है ना, उनको नौकरियां मिल रही हैं, उनसे जुल्म हो रहा है, कोई गाय का गोश्त लेके जा रहा हो उसको खंभे के साथ बांध के मार देते हैं. सो जो हिंदुत्वा का जो वहाँ एक पैटर्न सेट हो चुका हुआ है वही पैटर्न है जो जिम क्रो ने अपना अमेरिका में ब्लैक पॉपुलेशन के क्रिया थी. इसे कहते हैं अपना रेशियल सेग्रीगेशन. वो जहाँ वो अमेरिका में जिम क्रो ने रेशियल सेग्रीगेशन का आगाज़ किया, यहाँ जो मोदी की जो गवर्नमेंट है उसकी पार्टी है वो रिलीजियस सेग्रीगेशन का ने शुरू किया हुआ है. इसमें कांग्रेस जो है दे आर यू सी वेरी प्रोग्रेसिव पीपल एंड वो अपने जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं मुस्लिम मिनोरिटी के उनका इजहार भी करते हैं, उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं. तो इस वक्त मुसलमान बाई एंड लार्ज जो हैं इंडिया में वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं एज अगेंस्ट बीजेपी. लेकिन बीजेपी का अभी तक तो कोई पल्ला वहाँ को भारी ही नज़र आ रहा है. तो चीज़ यह कि अगर ये मोदी
इलेक्ट हो गया तो ये थर्ड टाइम इलेक्ट होगा, जो कि रिकॉर्ड था जवाहरलाल नेहरू का कि वो तीन दफ़ा इलेक्ट हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अगर ये तीसरी दफ़ा हो जाता है तो ये इक्वल कर देगा पॉलिटिकल रिकॉर्ड और जवाहरलाल नेहरू। तो लेकिन ये हमारे लिए कोई ये कोई अच्छा शगुन नहीं होगा इसका इसका दोबारा आना। बहरहाल फैसला तो इंडिया के लोगों ने करना है। तो अब चीज़ यह है कि इन हालात में जो है सी इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की जनरल सीट के लिए भी बड़ा पेश कैंडिडेट, और बहुत सारी दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जो उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हमारा देखें ना कि हमारा 145 लोगों ने उसी जनरल असेंबली में कंडेम किया व्हाट इज़ हैपनिंग इन गाज़ा और जो कत्लो वारत हो रही है उसको बड़े शदीद अल्फाज में 145 मुल्कों ने जनरल असेंबली में उसको कंडेम किया, और लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं है। उसी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। लेकिन यहाँ जो अपना जो एक सेग्रीगेशन कर रहा है रिलीजियस अपना सेग्रीगेशन कर रहा है, और मोदी उसको जो है उसको क्योंकि उनकी इकॉनमी इतनी बड़ी है कि कोई दुनिया का मुल्क उनसे बिगाड़ पैदा करने को तैयार नहीं, तो लिहाजा वो अपना खाबे खरगोश पर सोए हुए उन्होंने आँखें बंद की हुई हैं। जो कुछ जुल्म मनॉरिटी के साथ मुस्लिम मनॉरिटी के साथ इंडिया में हो रहा उसका कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। तो पोजीशन इसकी यही है ऐसी। तो हमारी तो दुआ है हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, वो इसलिए भी है कि वो पाकिस्तान बनाने में यूपी और सीपी के मुसलमानों का सबसे बड़ा रोल उन्हीं का ही है, क्योंकि जबकि पंजाब के अंदर अभी भी पंजाब के बड़े बड़े रऊसा नून टवाने बरवाने मखदूम कुरैशी जो थे अभी भी दुआ मांग रहे थे कि अंग्रेज़ बहादुर 100 साल और रहे, तो ये यूपी और सीपी का मुसलमान था जो कि नारे लगा रहा था कि लेके रहेंगे पाकिस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान केम इन टू बींग विद द स्ट्रगल ऑफ पीप मुस्लिम्स ऑफ यूपी। अब हमारा ये एक अखलाकी और तारीखी जिम्मेदारी बनती थी कि एक मजबूत अगर पाकिस्तान होता स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान होता तो वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो मिनॉरिटी है उनकी इज्जत आबरू की ज़मानत बनता। लेकिन पाकिस्तान के तपने हालात ऐसे ख़राब और दिगर धूँ हैं कि वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा तो वो हिंदुस्तान के मुसलमानों की किसी अनानत क्या करेगा। तो दीज आर दी कंडीशंस। एंड जो मोदी दोबारा आया तो मुसलमानों के लिए ये कोई अच्छा जो होगा जो ये जो शगुन नहीं होगा, क्योंकि दुनिया इसको कहती है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इस सेकुलर स्टेट लार्जेस्ट सेकुलर स्टेट इन द वर्ल्ड। ये दुनिया भी माने बैठी है और वो इसको सेल भी करते हैं दुनिया के अंदर। तो लेकिन हमारे यहाँ से किसी डिप्लोमेटिक सतह पर ये नहीं कहा जाता कि यस इंडिया इज़ न्यूमेरिकली नंबर के लिहाज से इट्स द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी दैट वी एक्सेप्ट, बट ये कहना कि इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी इन रियलिटी इट इज़ नॉट। सी इंडिया इज़ ए ब्राह्मण डेमोक्रेसी जहाँ ब्राह्मण के और सी हकूक हैं और जो क्षत्रिय के और हैं शूद्र के और हैं और दलित बेचारे के तो है नहीं। तो अब मुसलमान की या क्रिश्चियंस की या सिखों की तो कोई हैसियत ही नहीं है वहाँ। तो ये काम है हमारे फॉरेन ऑफिस का, जो कि मुंह में उन्होंने घूंघरियाँ डाली हुई हैं, कभी उन्होंने जाके इंटरनेशनल फोरम पर जाके इन चीज़ों का अयादा ही नहीं किया और उनको बताया ही नहीं गया कि जिस हिंदुस्तान को तुम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड का तमगा दिए बैठे हो, उनकी छाती पर तमगा लटका दिया आपने, वो हिंदुस्तान का अंदर आके झांक के देखो कि वो डेमोक्रेसी किधर है। वो तो वहाँ तो एक जुल्म और तशद्दुद का एक निज़ाम है, वहाँ तो एक ऐसी फिरका परस्ती है उसी। तो डेमोक्रेसी में तो फिरका परस्ती नहीं होती, डेमोक्रेसी में तो देयर इज़ ए इक्वालिटी एंड जस्टिस। ना वहाँ मुसलमानों के लिए इक्वालिटी है ना मुसलमानों को वहाँ इंसाफ है। ठीक। अच्छा किशोरी साहब, इंटरेस्टिंग ये है कि
वैली में जो मोदी साहब हैं उन्होंने अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, ये बात बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। और कहा यह भी जा रहा है कि जो कश्मीरी हैं बेसिकली पार के रहने वाले ऑक्यूपाइड कश्मीर के, वो एक ये इलेक्शन जो है रेफरेंडम हो सकता है। एक देखें दिल्ली में जो है वो जो पार्टी है उसका भी नाम मुझे आ जाएगा उसी वो बाप पार्टी है? बाप कौन सी बाप पार्टी है? बाप नहीं 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 और उसका नाम है उसी। अच्छा लेकिन वो पार्टी जो है वो सही मायनों में डेमोक्रेटिक पार्टी है। अच्छा और उसके ताल्लुकात जो हैं मुस्लिम कम्युनिटी के साथ बड़े पॉजिटिव है, क्योंकि दिल्ली के अंदर मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद रहती है। दैट कुड बी वन रीज़न। लेकिन वो बेसिकली एंड प्राइमरीली सी जो है दे आर एजुकेटेड पीपल, सेंसिबल पीपल, और वो हिंदुत्वा में बिलीव नहीं करते, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं, वो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, वो रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, वो जस्टिस में बिलीव करते हैं। सो देयरफॉर पीपल वहाँ जो है जो बीजेपी का पहले भी कोई रिजल्ट नहीं आया था, वो दैट पार्टी स्वेप्ट द पोल्स, तो इसलिए इस दफ़ा भी बीजेपी ने प्रॉबली थिंकिंग के दैट लास्ट इलेक्शन दे वर वेरी बैडली डिफीटेड, तो दे प्रॉबली दे हैव नॉट पुट देयर कैंडिडेट। ठीक। अच्छा नाज़रीन, हम आपसे बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के किसी मेंबर से बात करें, कोशिश हमने की लेकिन रब्ता नहीं हो सका। मैं आपको बताता चलूं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार हलक और दीगर वज़रा और दूसरी पार्टीज़ के जो लोग हैं उनको बुलाकर जो बात की है, उसके बाद हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, और उस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि बिजली के जो रेट्स हैं कमर्शल और नॉर्मल जो सार्फिन हैं उनके लिए क्या होंगे, और कहा यह भी गया कि हमने आपके मुतालबात मंजूर कर लिए, सात आटे का भी रेट तय कर दिया। लेकिन इस पर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सीनियर मेंबर जो कि जिनका नाम है उमर रजीर साहब, वो क्या कहते हैं, आइए जरा ये सुन लें। भाई हमारे ये जानते हैं कि आज हमारा मुजफ्फराबाद की तरफ अपने हकूक के लिए लॉन्ग मार्च जारी और सारी है, अभी भी हमारा लॉन्ग मार्च जारी और सारी है। हुकूमत की तरफ से अभी जो एक नोटिफिकेशन आया उस हवाले से मैं वजात करता चलूँ, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अभी तक इसके हवाले से कोई अपना नोटिफिकेशन के देखने के बाद हम आपस में बैठेंगे फिर हम रद्दअमल देंगे। बहुत सारे जो हमने देखा नोटिफिकेशन के अंदर बहुत सारे अबहाम हैं, वो अगर हुकूमत दूर करती है तो ठीक, नहीं तो हमारा मार्च हमारा एजाज जारी रहेगा। जो लोग सुनी सुनाई बातों पे वो चीज़ें देख के मीडिया पे देख के वापस जा रहे हैं, मेरी उनसे इल्तजा गुजारिश है कि हमारा मार्च ख़त्म नहीं हुआ, हम नोटिफिकेशन को एक्शन कमेटी देखेगी, अगर हमें कबूल हुआ नहीं तो हमारा मार्च हमारा एजाज जारी रहेगा। इसलिए सारे अहबाब जो पीछे रुके हैं जो मार्च की तरफ आ रहे थे उन सारों से मेरी अपील है कि वो मुजफ्फराबाद पहुँचें, मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी ग्राउंड में हम इकट्ठे होंगे, वहाँ पे हमारा सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे, वहाँ गाड़ियाँ पार करने की जगह भी है। तो सब अहबाब से गुजारिश है कि ये जो मार्च आ रहा है, जो जुलूस आ रहा है, जो इंफरादी तौर पर लोग आ रहे हैं, उन सारों से गुजारिश है कि यूनिवर्सिटी ग्राउंड में जमा हो जाए, मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी ग्राउंड में पहुँचे। अभी कोई हमने इस पर लाइमल नहीं दिया, कोई इस पर हमने इसको अपना रद्दअमल नहीं दिया, इसलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, सारे लोग यूनिवर्सिटी ग्राउंड पहुँचे। नाज़रीन आपने सुन लिया कि उमर रजीर साहब ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत ने नोटिफिकेशन किया है उस नोटिफिकेशन में बहुत सारे इबहाम हैं, और जब तक हम उस पर मुशावरती अमल मुकम्मल नहीं कर लेते उस वक्त तक जो है हम अपना लॉन्ग मार्च का जो स्टेटस है वो जारी रहेगा और लोग जो है वो आ जाएं। अब हम भी ये बैठ के यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो मुज़ाकराती अमल पहले जारी हुआ फिर ख़राब हुआ फिर जारी हुआ फिर ख़राब हुआ और लास्ट जो जारी हुआ फिर उसके बाद एक सूरत हाल पैदा हुई और आज मरकज़ ने भी जो इसमें इन्वॉल्वमेंट कर ली, तो फिर आखिर जो है इस नोटिफिकेशन में क्या इबहाम है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि कुछ फेक है, कोई इसमें चीज़ें पूरी हुई, तो बहरहाल नाज़रीन ये एक सवाल है, पूरी रियासत का मसला है, इन चीज़ों को बहुत जल्द क्लियर होना चाहिए और अवामी एक्शन कमेटी का जवाब भी जल्द आना चाहिए। अच्छा कसूर साहब, हम बात कर रहे थे, ये बताना चूँकि ज़रूरी था कि जो आपने जिस बात की जैम क्रो की,
तो ये आपको क्या महसूस हो रहा है कसूरी साहब कि पॉसिबिलिटी इज़ देयर, जैसे कि सब दिखाया जा रहा है कि मोदी के जो है नया सेटअप भी ज़ाहिर है मोदी साहब का होगा, व्हाट वुड बी द न्यू स्ट्रेटजी अगेंस्ट पाकिस्तान मोदी की? देखिए बात यह है कि ये जिस किस्म की इस वक्त सिचुएशन है अपना आज़ाद कश्मीर के अंदर, के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लाठी चार्ज कर रही है, टीयर गैस कर रही है, वाटर कैनन इस्तेमाल कर रही है, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, कुछ लोग मारे भी गए हैं, तो ये इसका बात का बतंगड़ तो बनाने की कोशिश करेंगे जी। और ये भी इनका एक मकसद होगा उनका प्रोपेगेंडे का इंडिया का, कि वो जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो मकबूजा कश्मीर है, उसके मुसलमानों को कहेंगे कि भाई बताओ, जिसकी जिस कश्मीर आज़ाद को आप आज़ाद कहते हो, इज़ इट आज़ाद, वो आज़ाद है? वहाँ स्टैब्लिशमेंट जो है वो उसी तरह ही जुल्म करी जैसे कि ऑक्यूपाइड एरिया होता है। तो पोजीशन ये है, यानी एजे के गवर्नमेंट, हाँ एक गवर्नमेंट इज ऑक्यूपाइड गवर्नमेंट थी। तो इस इन हालात में जो आप हमसे नाराज़ हो हिंदुस्तान से, तो आपकी वो नाराज़गी जो है उसकी वजह इसलिए नज़र आती थी कि आपका मौक़िफ़ ये था कि आज़ाद कश्मीर में जो है वहाँ इंसाफ है, वहाँ जमहूरियत है, वहाँ रूल ऑफ लॉ है। अब आप देख लें कि वहाँ ना जमहूरियत नज़र आ रही है, ना रूल ऑफ लॉ नज़र आ रहा है, ना इंसाफ नज़र आ रहा है। तो भाई हमारे साथ तुम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, ऑलरेडी एक लार्जर पोर्शन तुम्हारा जो कश्मीरियों पे है वो ऑलरेडी हमारे साथ जम भी हो चुका हुआ है 5 अगस्त 2019 जम भी हो चुका हुआ है। तो आप भी जो है, आपका भी जो डेस्टिनी है, आपकी भी तकदीर जो है वो हमारे साथ ही मुंसलिक है, वो इस किस्म का प्रोपेगेंडा करेंगे। और वहाँ भी ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी जो है शेख अब्दुल्ला फैमिली बैठी हुई, जो कि बड़ी प्रो इंडिया है, और वो भी इस से तायद करेगी और मौक़िफ़ करेगी। सो इट्स नॉट ए वेरी हैप्पी सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। सो देयरफॉर जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, पाकिस्तान शुड नॉट वेट कि वो ज़्यादा गंभीर बन जाए सिचुएशन, इससे पहले कि वो गंभीर बन जाए, क्योंकि अभी जो मैंने बयान सुना है अपना उमर नज़ीर साहब का, जी जी, इसी उमर नज़ीर साहब जो है, ही इज़ ए ऑफिशियल स्पोक्समैन ऑफ जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऑफिशियल स्पोक्समैन है, तो उनका बयान में एक हकीकत नज़र आ रही है। और उन्होंने जो एक लफ्ज़ कहा है कि हमने कॉल दे दिए कि जो लोग वापस जा रहे थे इस ये समझते हुए कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए, वो खड़े हो जाएं, वहीं वहीं के खड़े हो जाएं और रेडी रहे हमारी अगली कॉल के, कि आपको अपना जो लॉन्ग मार्च है वो अभी हमने डिसकंटिन्यू नहीं किया। और वो हमने डिसकंटिन्यू इसलिए नहीं किया कि वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट दी सो कॉल्ड मुज़ाकरात, जिनके बारे में हमारे बहुत शको शबात हैं, और अगर वो बेल मुंडेरे नहीं चढ़ती तो आप जहाँ जहाँ हैं वहीं से आपने दोबारा मूव करके आपने जो है मुजफ्फराबाद ग्राउंड में लाना है। ठीक है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मतलब कसूरी साहब। नाज़रीन, कसूरी साहब की स्टेटमेंट को मैं सेकंड भी करूँगा। इजाफी जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ वो यही है कि जो लोग ये समझ रहे हैं या ख्याल कर रहे हैं कि ये कुछ या चंद अफराद के नज़रियात की हामिल एक तहरीक है, मैंने बड़े करीब से इसको देखा है, इसको मैं मॉनिटर किया है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है वो चंद अफराद इसमें ज़रूर हो सकते हैं नज़रियात के हामिल, लेकिन ये एक अवामी तहरीक बन चुकी है। लिहाजा इस कॉन्सेप्ट में रहते हुए इसको लाइट नहीं लेना चाहिए, और अगर तो आपने नोटिफिकेशन कर दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर इसमें इबहाम की बातें कर रहे हैं उमर नज़ीर साहब का, इसका मतलब है कि पूरी अवामी एक्शन कमेटी को ये मसला है, तो फिर वो इबहाम जल्द अज जल्द दूर होना चाहिए ताकि लोगों की जो है वो लाशें ना गिर सके। इजाज़ दीजिए मेज़बान अदील बशीर को। प्रोग्राम तारीख़ पाकिस्तान विद अहमद कसूरी से खुदा हाफ़िज़।